हेलो बेबी डूड्स, तुम लोग कैसे हो? तुम लोग तो यार आज की वीडियो है। रुको रुको, आज मैंने तुम लोग को बीबली डूड्स क्यों कहा, एनिमे डूड्स क्यों नहीं कहा? तो यार बहुत सारे लोग मुझे यू पूछ रहे थे कि बीबली बस ट्रिप कब आएगा कब आएगा। तो ध्यान से सुन लो, ये आने का चांसेस एकदम 20% तक ही है। यार 20% कह रहा हूँ, उसी में खुश रहो, क्योंकि 20% होगा कि भी नहीं होगा वो भी चांस नहीं है। क्योंकि जो बीबली की हालत हो चुकी है इंडिया में, वो एकदम फालू, मतलब एकदम बेकार हो चुकी है। मतलब देखो यार, आजकल क्या हो रहा है, हमारे जो यूट्यूब के जो व्यू है, तो जो जो मतलब है तुम लोगों को याद होगा, तो यार आजकल बीबीएल की जो कम्युनिटी है वो एकदम दिन ब दिन घट रही है। और यार आजकल इतना ज़्यादा कम हो रहा है कि एकदम लॉस में चला जा रहा है। और यार ऐसा ही करके करके दिन ब दिन बीबीएल की फैन जो है वो कम होती जा रही है। और सब कहेंगे यार तुम्हारे व्यूज़ कितने आते थे पहले? तो यार मेरे पहले व्यूज़ इससे थोड़े से ज़्यादा ही आते थे। मतलब की बात कर रहा हूँ, थोड़ी लॉकडाउन के पहले की बात करूँ तब थोड़े से व्यू अच्छे आते थे, बट अब इतना भी नहीं आता। 50 व्यू, 60 व्यू इतना आता है। बट जो जो मुझसे भी ज़्यादा व्यू लाते थे, जैसे फैंडमिक जोन, वो हाका है, घमंडी हाका है, उसके भी बहुत सारे व्यू आते थे। पर आजकल कोई व्यू नहीं आने लगे। फैंडम एग्जोन भाई के तो बहुत सारे व्यू आते थे, पर आजकल कोई व्यू नहीं आ रहे। तो यार ये क्या हो रहा है, मतलब कम्युनिटी को कुछ हो रहा है क्या? लॉकडाउन की वजह से सबको कोरोना हो चुका है, तो ऐसे मजाक था। तो यार ये क्या हो रहा है? और जो तो लोग पूछ रहे थे मैं मतलब टर्बो, तो यार टर्बो को छोड़ो, तुम लोग टर्बो को मारो गोली। मतलब ऐसा अगर हम लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो यार एक दिन तो नहीं कि यार 10 दिन में ही वो मतलब क्या कह रहा है, 10 साल भी लगा देंगे तब भी टर्बो इंडिया में नहीं आएगा। और ये आखिरी उम्मीद है मैं मेटल सीरीज से, और मेटल सीरीज की अगर अच्छी चार्ट भी आ गई तो तभी ही कुछ हो पाएगा। मैं पहले कह रहा हूँ, अगर टर्बो सीरीज मतलब मेटल सीरीज ही नहीं आई तो यार कुछ काम नहीं होगा। अगर मेटल सीरीज पर अच्छा पहुँच नहीं आया तो टर्बो को छोड़ो, टर्बो क्या और सीरीज भी नहीं निकलेगी। मेटल सीरीज अगर लॉस में चली गई ना तो बेबी तो एकदम एंड हो जाएगा। और यूट्यूब के जो क्रिएटर्स हैं, हम जैसे क्रिएटर्स, वो लोग भी अब थक चुके हैं बीबलेट को वीडियो बना के। बहुत से लोग अब अलग अलग टॉपिक पर ट्राई करते हैं। अगर हम लोग पोकेमॉन की बात करें, कोई अगर एपिसोड रिलीज होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग बनाते हैं, और एकदम लहर जैसा व्यू आ जाता है, पानी जितना व्यू आ जाता है इतना व्यू आता है। और उनके 2K मोनेटाइज एनेबल 2K होती हो जाता है, पर हमारे वहीं यूट्यूबर्स की बहुत मेहनत लगती है। तो यार तुम लोगों को बीबलेट को सपोर्ट करना है, और कुछ भी ना हो इसके बहुत सपोर्ट दिखाना है, एकदम लहर जैसा, जैसा पोकेमॉन का सपोर्ट करता हूँ उतना एकदम लहर बहा देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार पोकेमॉन को हमें हिट करना, नहीं ऐसा मत करना। बीबलेट को इतना पावर दो कि यार बीबलेट की पावर बढ़ जाए, मतलब इतनी हो जाए कि पोकेमॉन को टक्कर दे पाए, भागे एनिमे चैनल को टक्कर। अगर तुम बाहर में देखोगे तो बीबलेट के जो चैनल्स वो 1 वीक में 100 यानी कि 1 लाख व्यू टू क्रॉस कर ही देते हैं। कभी कभी 2 डेज या फिर कभी कभी 3 डेज में 1 लाख व्यू गेन करके चला जाता है। पर हमारे इंडिया में कुछ भी नहीं होता है। तो यार मैं तुम लोग का यही कहूँगा, सपोर्ट करो यार। बीबलेट को सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा कि टर्बो भी नहीं आएगा। और जो जो टर्बो के लिए रुक रहे हैं उनको मैं अभी बताता हूँ कि अगर ऐसा चलता रहा तो यार टर्बो क्या यार मेटल सीरीज भी लॉस में चल जाएगी, तो यार सब खत्म, बीबलेट के इंडिया में फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा। तो मैं अच्छी तरह से कह रहा हूँ, तो यार प्लीज यार बीबलेट को सपोर्ट का हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिस्मिल्लाह खुदा हाफिज़, अल्लाह प्लीज बीबलेट को।